में आपने दसवीं कक्षा पास की है, कितने परसेंट आपके आए? 10 CGPA पे आए। तो ये 10 CGPA कैसे आया है? पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, टीचर्स ने गाइड किया है, तो उनकी हेल्प से 10 CGPA आया। और सेल्फ स्टडी भी करी है और रिवीजन भी करना पड़ता है हर चीज का, तो इस वजह से। सेल्फ स्टडी कितने घंटे की थी आपने? 5 to 6 hours पर डे। एग्जाम दोनों की थी या बिफोर एग्जाम स्टडी की थी आपने? बिफोर एग्जाम भी करी थी, एग्जाम में रिवीजन करी थी। अगर हम बिफोर एग्जाम नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। तो आपका कोर्स पूरा हो चुका था जो रिवीजन किया आपने, या बाद में कोई दिक्कत आई थी आपको? कोर्स कम्प्लीट हो गया। आप 10 CGPA आए तो आप संतुष्ट हैं नंबरों से? यस सर। भविष्य में कितने परसेंटेज आने की उम्मीद है आपको 12वीं के अंदर? सब हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है, कितनी मेहनत करते हैं। और भविष्य में 95% से अबव लाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। आपको कोई विश्वास नहीं है? इससे विश्वास है। तो 95 क्यों गई आप? 99 क्यों नहीं कहा आपने? 100% क्यों नहीं कहा? जैसे 10 CGPA आए हैं तो उस टाइम भी तो आप कह सकते हैं नंबर। इतना विश्वास कम क्यों है, क्या वजह है? वजह कोई नहीं है, बस आगे स्टडी जो है वो हार्ड भी है, सब्जेक्ट भी हार्ड है, तो जितने मेहनत करेंगे उस हिसाब से हम आगे उतना अचीव कर पाएंगे। अगर और मेहनत करेंगे तो हम 99 के 100% भी ला सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट लेंगे आप? साइंस PCMCL। क्या बनना चाहती हैं? इंजीनियर बना। क्या वजह है कि नवीन भारत के बच्चे सब इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आपने कोई तक रखी आपस में बच्चों? नहीं सर, ऐसी कोई वजह नहीं है, बस मेरा एम है उनको बनना है इंजीनियर। कौन से इंजीनियर बनी है आप? इलेक्ट्रिकल। क्यों मन में आया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहिए? क्या खूबी है इस पोस्ट के अंदर? सर एक तो सर सैलरी का भी रहता है, और ऊपर से सर हमारी मेहनत, एक तो सर मैं कोई इजी जॉब अचीव नहीं करना चाहती जिसमें ज़्यादा मेहनत हो। उसमें मैकेनिकल इंजीनियर है उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसमें ज़्यादा मेहनत होती है। तो मेरी ये ट्राई रहेगी कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनूँ। यानी पैसा कमाना आपने ना, पैसा भी है तनख्वाह भी है ये आपने कहा, तो आपका उद्देश्य सब पैसा कमाना ही है? नहीं सर, पैसा कमाना। तो आपने कहा ना कि तनख्वाह अच्छी है उसके अंदर, और नहीं सर मेहनत भी ज्यादा है ना, तो मैं ऐसे ही जॉब अचीव करना चाहूंगी जिसमें मेहनत भी ज्यादा हो, ताकि मेरे को और एक्सपीरियंस हो चीजों का कि आगे कैसी कैसी चीजें होती हैं। तो इसलिए सर हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211037981072184898701052। हमारा फैक्स नंबर है 2211038। ईमेल आपकी बात @yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.dilliapm.com। हमारा आज का बुलेटिन यह समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 118 भट्ट, श्याम नगर, स्वागत, दिल्ली 32।